हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से ही होंगे। तो आज है मंडे और यहाँ पे लेबर्स डे का ऑफ है, तो एक पास में ही जगह है फॉल क्रिक, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्हीं के साथ प्लान हुआ है जाने का, तो फिर सोचा कि मम्मी को भी दिखा देंगे। तो बस अभी हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं और खाना वगैरह हम लोगों ने पैक किया है एज़ यूज़ुअल, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मम्मी बाहर का खाना नहीं खाती हैं। और बस अभी हम लोगों की जो कैब है वो आने वाली होगी, तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सोचा कि पहले एटलीस्ट व्लॉग मैं शुरू कर दूँ और आपको बता दूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अभी हम लोग फॉल क्रिक पहुँच गए हैं और वेदर ने एकदम गुगली कर दी है, बारिश हो रही है। तो अभी देखना है कि आगे का जो हमारा प्लान है कितना सक्सेसफुल होता है, तो इसीलिए मैंने अपनी जो कैप है जैकेट वाली वो लगाई हुई है। तो अभी सब लोग दिखाती हूँ आपको कि आगे आगे जा रहे हैं। तो हम आए हैं ये फॉल क्रिक व्हील देखने के लिए, और ये जो व्हील है वो टू कैनाल्स को कनेक्ट करता है, और वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा व्हील है जो बेसिकली लोअर कैनाल की बोट को अपर कैनाल पे लिफ्ट करता है 24 मीटर। और अगर आप देख सकते हैं तो बेसिकली जो कैनाल जो व्हील है वो धीरे धीरे मूव हो रहा है अपर वाली कैनाल पर, तो इस व्हील की ये खास बात है। और अभी जब हम लोग राइड लेंगे तब आप देखना ऊपर वाली कैनाल का व्यू कितना सुंदर है। कैनाल के किनारे पर ये वाली जो बोट्स पार्क हैं, तो बेसिकली ये बोट हाउसेज हैं और यहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं ये वाली बोट्स में। आज पूरा वेदर ने मज़ा ख़राब कर दिया और अभी काफ़ी तेज बारिश हो रही है, तो अभी मुझे लगता नहीं हम लोग ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कल हमने वेदर चेक किया था तो सनी इंटरवल्स दिखा रहा था और मॉर्निंग में भी। तो ऐसे जो स्कॉटलैंड का वेदर है बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और मम्मी को काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही है आज क्योंकि बारिश हो रही है, तो वेदर एकदम चिल्ड हो गया है। तो आई डोंट नो, और आज तो वैसे भी लोग भी बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम लोग फॉल क्रिक व्हील के पास पहुंच गए हैं, तो वही आपको दिखाती हूँ। व्हील की राइड लेने से पहले हम लोगों ने कॉफ़ी पी, क्योंकि मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी और इनफैक्ट आने के बाद उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया क्योंकि आज का जो वेदर था वो एकदम चिल्ड था और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कॉफ़ी के बाद तो हमारी बोट राइड का टाइम हुआ और हम लोगों ने बोट में एंटर किया, तो आप देखिए कितनी लंबी बोट है ये, और काफ़ी अच्छी राइड थी और व्यू भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग बोट में बैठे तो हम लोगों को लगा कि बोट इतनी देर से चली नहीं रही है और क्या हो रहा है, तो लेकिन क्या था, ये जो व्हील था वो इतना ज़्यादा धीरे मूव कर रहा था कि हमें पता ही नहीं चला। और जब हम ऊपर आए तो लगा कि ये हम लोग कहाँ आ गए, तो बेसिकली हम लोग सेकंड कैनाल पे पहुँच गए थे। तो ऐसे मतलब अगर आप लोग स्कॉटलैंड में हैं और या फिर यूके में हैं तो एक बार ये वाली व्हील की राइड ज़रूर लेके देखना, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी।
तो जब हम लोगों ने साइड में देखा तो तब लगा कि यहाँ से तो हम लोग बैठे थे और हम लोग इतनी ऊपर आ गए। तो ऐसे फिर मैंने वो सीन भी कैप्चर किया कि ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ और दिखा पाऊँ। तो ये देखिए, हम देखते ही देखते सेकंड कैनाल पर पहुंच गए और हमारे साथ साथ एक और बोट आई थी, प्राइवेट बोट जो कि पार्टी के लिए हायर की थी। तो उसमें बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो पहले वाली बोट ने ऊपर वाली कैनाल पे एंटर किया, उसके पीछे पीछे फिर हम लोग गए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर का जो व्यू था कैनाल से बाहर, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो आप इस छोटे से सीनिक व्यू से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्कॉटलैंड की ब्यूटी है वो कितनी ज़्यादा हार्ट टचिंग है और पूरा स्कॉटलैंड ही ऐसे ब्यूटी से भरा हुआ है। ये वाली प्राइवेट बोट थी जिसमें बर्थडे पार्टी चल रही थी और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला वहाँ पे, काश कि कोई हमारे लिए भी ऐसी बोट में बर्थडे पार्टी प्लान करे तो कितना अच्छा लगेगा। फाइनली अभी बारिश भी रुक गई है और हम लोग पूरा व्हील का राइड लेके आए हैं, तो अच्छा लगा। और अभी हम लोग लंच ही करेंगे बैठ के, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है अभी, तो अभी प्लेस ढूंढ रहे हैं, फिर हम लोग करेंगे लंच। आओ अनवित। तो फाइनली हम लोगों ने एक सुंदर सा प्लेस ढूंढा लंच करने के लिए और जहां से फल्क की सब वादियां दिखाई दे रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं लेके आई थी मटर पुलाव और मेरी फ्रेंड फ्राइड राइस लेके आई थी, और मेरे बॉक्सेस में आप ग्रीन चिलीज देख ही सकते हैं। तो बेसिकली ग्रीन चिली मेरे साथ ही चलती है जब मैं कहीं जाती हूँ, और बस ऐसे हम लोगों ने फिर साथ में अपना लंच एंजॉय किया। अभी हम लोगों का लंच हुआ और हम लोग जा रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ पे एक वाटर वॉकर करके एक्टिविटी होती है, तो मैं जब भी कहीं पे ये वाली एक्टिविटी देखती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है करने का। और आज मुझे साथ भी मिल गया मेरी फ्रेंड का, तो उनका भी काफ़ी टाइम से मन था ये वाली एक्टिविटी करने का, तो हमने कहा कि चलो ठीक है करते हैं आज ये वाला फ़न। और रियली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो पहले मेरी फ्रेंड ने एंटर किया बॉल में और उसके बाद मैंने, तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इसका जो एक्सपीरियंस था वो एकदम अलग ही था, और मतलब कांट एक्सप्लेन कि कैसा एक्सपीरियंस था, बट ये बोलूँगी कि हाँ मतलब एकदम मज़ेदार था। बेसिकली अगर आपका भी ऐसी कोई एक्टिविटी करने का मन है और आपको पता है कि आप ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे ये वाली एक्टिविटी है, तो मैं बोलूँगी आप एक बार ज़रूर करें, लेकिन मेक श्योर करें कि आप जींस ही पहने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्कर्ट में ऑकवर्ड लग रहा था और मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी फील कर रही थी, इसीलिए मैंने सौरभ की जो जैकेट है वो अपनी बैक पे ऐसे बांध ली थी। हालाँकि बाद में मुझे मम्मी ने और सौरभ ने यही बोला कि मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को एक बार सजेस्ट कर दूं ताकि आप और ज़्यादा इंजॉय कर सकें ये वाली एक्टिविटी।
है बेसिकली। बॉल में खड़े होने का कोशिश कर रही थी और मैं बिल्कुल भी खड़े हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, बार बार गिरे जा रही थी। तो आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से देख ही सकते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है। तो आफ्टर सो मच फन, हम लोगों का सबका मूड हुआ कि चलो कॉफ़ी और चिप्स लेते हैं। तो कॉफ़ी तो अच्छी थी, लेकिन जब हम लोग चिप्स खा रहे थे तो हम लोगों को लगा कि इतना मीठा टेस्ट क्यों आ रहा है। तो बेसिकली मेरी फ्रेंड और सौरभ दोनों ने ही चिप्स में शुगर डाल दी। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हमें इतना अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है चिप्स में। तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी हम लोग आए हैं केलपीस, और ये फलक्रिक से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे ये आप जो टू हॉर्सेस देख रहे हैं मेरे पीछे, और रात में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये वाले। और अभी वेदर भी एकदम मज़ेदार हो गया है, धूप निकल गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मॉर्निंग में आए थे तो तब तो ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों का और पता नहीं हम लोग आज क्या करेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे हम लोग अभी थोड़ा इन्जॉय करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि हमारी फ़ोटो खींचो, हमारी फ़ोटो खींचो। तो अभी सब लोगों की फ़ोटो लेनी है, और फिर मैं आपको भी एक क्लोज व्यू दिखाती हूँ ये वाले हॉर्स का। तो अब देखना कितने अच्छे बने हुए हैं ये जो हॉर्स स्कल्पचर्स हैं। तो 30 मीटर ऊँचे हैं, और नाइट का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, क्योंकि इनमें कलरफुल लाइट्स जलती है। तो हम लोग नाइट तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि आजकल नाइट भी फिर 9:30 पर तो सनसेट ही होता है, तो लाइट ऑन होते होते काफ़ी टाइम हो जाता। तो बस ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग निकले घर के लिए। तो इस व्लॉग को एक्चुअली आने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इस व्लॉग की जो काफ़ी सारी क्लिप्स हैं वो मिस हो गई हैं, और मैंने उनको बहुत ज़्यादा रिकवर करने का कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि अभी इतना ही व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का जो मेरा व्लॉग है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।